Hello students, we are studying the chapter, second chapter, polynomial. Here we have discussed in last chapter division algorithm. एक division polynomials का division का method मैंने आपको explain किया है. Present exercise 2.3. यहाँ भी division algorithm जो कि हम 9th class में भी पढ़ चुके हैं polynomials के chapter के अंदर. किस तरह से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या इस एक्सरसाइज 2.3 में भी दिए गए हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2.3 मैथमेटिक्स है. एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन देखें, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स. जैसे कि गिवन क्या है हमें, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और zx हमारे पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2. एक बार ध्यान से देखें कि हम डिवाइड कैसे करते हैं. जिस बच्चे को डिवीजन नहीं आता है यहाँ अगर ध्यान से देखता है तो उसको डिवीजन क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज भी डिवीजन प्रोसेस हम 9th क्लास में कर चुके हैं. अब देखें किस तरह से करना है. px को डिवाइड करना है किससे, जी एक्स से. यहाँ देखिए हमने एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और इधर रखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2. क्या करना है प्रोसीजर देखिए रफली क्या है कि यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ x की पावर 3 है. पहले हम क्या करें, इसकी फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, उसको डिवाइडेड जो है हमारे पास उसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखते हैं. ये क्या आएगा हमारे पास, एक पावर बचेगी एक्स की, तो किससे भाग होगा पहले एक्स पे जाए. तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल को. तो एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x. यहाँ देखें ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ है माइनस 2x. एक्स की टर्म के नीचे ही हम एक्स की टर्म लिख रहे हैं. यहाँ पे ये माइनस 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 प्लस, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करना होगा. एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल. यहाँ देखिए कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा प्लस 7x और माइनस 3. ओके नेक्स्ट अब देखते हैं इधर क्या दिया है, माइनस 3x स्क्वायर. किससे डिवाइड करें, x स्क्वायर से. तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, माइनस 3. माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, माइनस 3 का इससे मल्टीप्लीकेशन करें, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा. और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस साइन चेंज करा देते हैं. इधर ये कैंसिल, 7x माइनस 9. अब यहाँ देखें, यहाँ पॉलिनोमियल जो है जिससे हमें डिवाइड करना है x की पावर 2 है, यहाँ पावर कम है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे इससे आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर. ये हमारे पास रिमाइंडर है, डिवीजन किया है हमने. तो इस केस में क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, आंसर लिखने का तरीका, क्वेश्चन क्वेश्चन आया है x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना आया, 7x माइनस 9. इस तरह से इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के सभी पार्ट 1, 2, 3 जितने भी पार्ट दिए हैं इन सबको सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल का सेकेंड फैक्टर है बाई एक्चुअल डिवाइडिंग, डिवाइडेशन मेथड से. देखो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं. यदि डिवीजन कंप्लीट आता है मतलब रिमाइंडर जीरो आता है तो ये इसका फैक्टर है, और अदरवाइज ये जीरो नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा. हमें क्या करना है, पहला काम क्या है, हम डिवीजन करते हैं इसका, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, इससे डिवाइड करें इसको. देखिए अगेन हमारा जो मेथड है डिवीजन का, कैसे, मैंने यहाँ लिखा है सर 3x रेज टू पावर 4 और किससे डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर से. तो कितना जाएगा, पावर 2 बचेगा, तो कितने पे डिवाइड जाएगा, 3x स्क्वायर से जाएगा. 3x स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर है और पावर 4 हो जाएगी. यहाँ कितनी हो जाएगी, 3×3 9 एक्स की पावर 3 और यहाँ प्लस में हमारे पास कितना है, 1 है, और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर. अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन
चेंज करना है हमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये कितना बचेगा माइनस फोर एक्स क्यूब और ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स स्क्वायर। टू एक्स को नीचे ले लेते हैं हम अगेन, फिर देखते हैं कितने से डिवाइड होगा, माइनस फोर एक्स क्यूब एज इट इज और एक्स स्क्वायर, एक्स ये कैंसिल, फोर एक्स बचेगा यहाँ पे माइनस का, तो माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स, अगेन साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और प्लस टू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करना है केवल टू से, तो यहाँ पे टू से डिविजन कर देते हैं, कितना आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, सब्ट्रैक्ट करें इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, जीरो। इस तरह से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। कंप्लीट डिवीजन के केस में मैंने क्या बताया है कि ये जो फर्स्ट हमारे पास पॉलीनोमियल है इसका फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन थ्री, ऑब्टेन ऑल जीरो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। क्या है ऑब्टेन ऑल जीरो, ये पॉलीनोमियल जो दिया गया है इसकी मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती है, फोर, क्योंकि यहाँ जो पॉलीनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, फोर, फोर डिग्री का पॉलीनोमियल है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, फोर है, मैक्सिमम पावर फोर है, तो मैक्सिमम इसकी फोर जीरो हो सकती है, जिसमें से दो जीरो हमें गिवन है। इसके लिए हमें क्या करना है कि देखो क्या है, ये दो जीरो जो हमें ऑब्टेन हुई है ये किससे ऑब्टेन हुई है, कोई फैक्टर जनरेट हुआ है इस पॉलीनोमियल का, और उस फैक्टर के कारण ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और उस क्वाड्रेटिक फैक्टर से हमें ये दो रूट मिलते हैं, दो जीरोस मिलती हैं। तो हमें क्या करना है, पहले वो क्वाड्रेटिक फैक्टर डिटरमाइन करना है, उसके बाद उस क्वाड्रेटिक फैक्टर से इस पॉलीनोमियल को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, और फिर उसको सोल्व करके हम अदर रिमेनिंग जो टू जीरोस हैं उसको डिटरमाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये रूट कैसे आया एक्स, ये रूट्स इस तरह से ऑब्टेन हुए हैं, हमारे पास एक इस तरह का फैक्टर जनरेट हुआ है जनरली, इसका फैक्टर है, और इस तरह का फैक्टर था वो हमारे पास जनरेट हुआ, तब हमें ये रूट ऑब्टेन हुए हैं। बस यहाँ पे ये चीज नोट करनी है, एग्जांपल भी दिया हुआ है इस तरह का एक टू और माइनस टू के साथ, उसमें भी ऐसे ही करना है आपको। अब देखिए क्या इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ फाइव बाई थ्री आ जाएगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनता है जो कि इसका एक फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, देखते हैं डिवाइड करके, नाउ डिवाइडिंग डिवाइडिंग गिवन पॉलीनोमियल, गिवन पॉलीनोमियल बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री, इससे डिवाइड करते हैं। एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस से देखें, थ्री एक्स रेज टू पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स माइनस फाइव, और ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री। अब देखें वही तरीका, हमारे पास पावर का डिफरेंस अगर यहां से देखें हम इसको, देखें थ्री एक्स रेज टू पावर फोर है, उसको किससे डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर से, कितने पे जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, थ्री एक्स पावर फोर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री से थ्री कैंसिल, जैसे यहाँ देखें एक बार माइनस फाइव बाई थ्री को थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, थ्री से थ्री कैंसिल, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फाइव माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे रखें इसको, सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या होगा, नीचे वाले जो हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, सिक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस टेन एक्स, ये हमने टेन एक्स को नीचे लिख दिया। अब सिक्स एक्स क्यूब को डिवाइड करते हैं, सिक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, किस पे जाएगा, सिक्स एक्स पे, यहाँ आ जाएगा प्लस सिक्स एक्स। अब देखें सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करें सिक्स एक्स क्यूब, और इसको सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टेन एक्स आ जाएगा, माइनस का माइनस टेन एक्स आया, माइनस और प्लस, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आया, यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आ जाएगा, ये आया हमारे पास कंप्लीट डिविजन। अब हमारे पास फैक्टर आ जाता है ये बाबा,
अब देखो क्या है कि ये और ये फैक्टर दोनों प्रोडक्ट होके इसको देते हैं, तो हमारे पास इससे तो दो रूट आ ही चुके हैं, पाई बाई रूट, 5/3 रूट और -5/3 रूट जो भी है ये। अब हम इन दोनों से, इस इक्वेशन से दो रिमेनिंग रूट है उसको भी निकालते हैं, देखे कैसे। 3x² + 6x + 3, यहां से 3 को कॉमन ले लें, x² + 2x + 1, और इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और जनरली ये हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर है। हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू होंगी, 1, -1 और -1, तो -1 एंड -1 आर द रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि रिमेनिंग पॉलिनोमियल्स के